पीछे इसके जो सेवन सीटर है वो कैसा फील है? आपकी जो पोजीशन है, जो हैंड्स की पोजीशन है, वो बहुत बहुत परफेक्ट आती है। यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे हमें डिस्कवरी की सबसे पहले एक छोटे से मैट की ब्रांडिंग है। और नमन, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, आप बताओ। भाई यार, गाड़ियाँ तो हम लोग करते ही रहते हैं ऑटो बेस इम्पीरियो पे, और बहुत मजा आता है, हम गाड़ियाँ एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ डिस्कवर करने का मन करता है कि कुछ डिस्कवर किया जाए ऐसा जो बिल्कुल अभी तक माई कंट्री मार्केट पे फीचर ना हुआ हो। तो आज आपकी ये तमन्ना भी पूरी कर देते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा लेके आए जो आप कह रहे हो जैसे कि डिस्कवर नहीं हुआ। आपके लिए हम लोग लेके आए हैं जो कि डिस्कवरी लाए हैं हम, फिफ्थ जनरेशन की ऑल न्यू डिस्कवरी 5 आ चुकी है ऑटो बेस इम्पीरियो के स्टॉक में। तो लो जी, अब हम आ चुके हैं बाहर और आपको दिखा रहे हैं द ऑल न्यू डिस्कवरी 5 जो अभी तक माई कंट्री मार्केट पे फीचर नहीं हुई थी, आज हो रही है। तो आज दिन बहुत अच्छा है, अब आप इंजॉय करो इस गाड़ी की खूबसूरती और इस गाड़ी की प्रोफाइल की, कितनी खूबसूरत है गाड़ी। नमन के साथ हम पूरी डिटेल एक्सप्लोर करेंगे इस गाड़ी की, तो आप इसका पूरा वॉक अराउंड इंजॉय करो ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि ये गाड़ी चारों तरफ से कैसी दिखती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को खास बनाती है, और कितने ही पैसों में अवेलेबल है ये ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे। सो दिस इज लैंड रोवर ब्रांडिंग हियर, और यहाँ से कुछ सबसे पहले हम इसके DRL आपको दिखाते हैं। अब नमन से पूछते हैं, नमन अब शुरुआत करो। आज हम सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गाड़ी है जो आपके व्यूअर्स को हम दिखाने के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। मतलब जो फिफ्थ जनरेशन, जो करंट जनरेशन चल रही है वो है, ओके। ये है डिस्कवरी 5, ठीक है, जिसका आता है V6 इंजन, ओके, एंड 3 लीटर इंजन है ये। हाँ, ये हमारी जो कार है ये पेट्रोल वर्जन में है, पेट्रोल है, ठीक है। और मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा रफ एंड टफ कार है कि मतलब आप इसको ऑफ रोडिंग करें, इसको आप बेशक मतलब अगर इसके बोनट तक भी पानी आ जाता ना तो इसको कुछ नहीं होने वाला, इजीली ये ड्राइव थ्रू कर जाएगी। अभी आप और मैं वहाँ खड़े थे, हमने वहाँ भी देखा, कार पीछे से देखने में इतनी ज़्यादा लेंदी है, मतलब पता चल रहा है कि कोई अलग गाड़ी है। अब इसका जो बूट है उसको मैं ओपन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ही है तो सिर्फ बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत कुछ यूनिक है। अब जैसे ये है, अब ये चीज़ है, नमन इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। नमन इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। अभी जैसे बेसिकली हमें बाकी गाड़ियों का पता होता है, हम नॉर्मली इसको हाथ से नीचे कर देते हैं, बट इट इज़ अ स्पेशल कार। इसमें ये भी हमारा ऑटोमेटिकली होता है, ये इसका बटन है यहाँ पे, ये हमने प्रेस करा, ये नीचे होगा। तो अब बात करते हैं जी इसकी जो हाइट है। अब ये गाड़ी, अब आप देख रहे हो, अब आप नोटिस करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसे मैं नीचे करता हूँ, आया ना मज़ा। तो ये है इस गाड़ी की खास चीज़ें जो इसको बहुत खास बनाएगी। तो अभी तो शुरुआत सिर्फ पहले फीचर की हुई है, अभी तो और चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम देखेंगे, बट इसे सबसे पहले बंद कर देते हैं बूट को। ये भी ऑटोमेटिकली स्मार्ट कार है। अभी पीछे के जो टेल लैंप्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये हैं इसके कुछ टेल लैंप जो अभी हमने जला रखे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो वेरियंट है इसका वो आप इधर देखें, HSESI6। माइलेज की क्या माइलेज अगर हम देखें इसकी हाईवेज वगैरह पे, माइलेज हमें ये देगी अराउंड 7 जी। इसके हेडलैम्प्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो पहले हमारी डिस्कवरी थी उसके DRLs और हेडलैम्प्स बिल्कुल ही अलग थे। आप देखो, एक राउंड सा सर्कल सा आता था, अब मतलब बिल्कुल चेंज, एक मतलब बिल्कुल A to Z चेंज कर दिया। आप इसकी एक बार लाइटें जलाइए, फिर हम दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को कि
क्या इफेक्ट है लाइटों का। उससे पहले आप देख लीजिए लेजेंडरी जो ग्रिल आती है लैंड रोवर की, वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। बाकी डिस्कवरी की ब्रांडिंग आपको दिखती है। तो ये कुछ इसके लाइट के इफेक्ट हैं। बाकी अभी पार्किंग लाइट जलाते हैं, हैजार्ड लाइट। अब ये देखिए, आप थोड़ा सा दूर से देखिए, आप क्या एक्सप्लोर करवाओगे। अलॉय व्हील्स पे आ जाते हैं हम इसके। ह्यूज अलॉय व्हील्स हैं, मतलब 20 इंचेस अलॉय व्हील्स आते हैं इसमें। एंड बाकी का पूरा शेप जो है उसकी, वो भी चेंज हो चुकी है अलॉय व्हील्स की। यहाँ पे अगर हम देखें, हमें यहाँ पे डिस्कवरी की ब्रांडिंग मिलती है, ठीक है। ये डिस्कवरी है, यहाँ पे हमें ऊपर रेंज रोवर की ब्रांडिंग मिलती है, ओके। क्योंकि पूरा एक ही प्रोडक्ट है, ओके। ये हमारे इस पे फुटस्टेप्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है जब फुटस्टेप्स हर गाड़ी में नहीं मिलते, कईयों को लगवाने पड़ते हैं किसी में, बट इसमें है ऑलरेडी। बेज इंटीरियर है इसका, ऊपर हमें मिलती है स्लाइडिंग सनरूफ। ये जो आगे वाली है ये सनरूफ है, इसके पीछे बीच में आपको गैप मिलेगा, पीछे एक पैनोरामिक सनरूफ है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और बैठते हैं, और बैठने के बाद थोड़ा सा स्पेस आपको बताते हैं कि पीछे इसके जो 7-सीटर है वो कैसा फील है। नमन, मैं चाहूँगा एक बार मैं पैनोरामिक सनरूफ का जो फील है ना, वो अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ अपने हाथों से। ये है कुछ सीट की क्वालिटी और गाड़ी की क्वालिटी। ऊपर जो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आता है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये है कुछ इसका फील। दिस इज आवर मूनरूफ। जो 7-सीटर आते हैं, जो पहले डिस्कवरी थे और ये है, दोनों में मतलब ह्यूज डिफरेंस है पीछे सीट्स का। पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दिया, पहले स्पेस नहीं होता था इतना, बट अब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, तो अब क्या एक्सप्लोर करवा रहे हो? अब हम आगे आके फीचर्स आपको एक्सप्लेन कराएंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली ड्राइविंग सीट है उस पर बैठ के हम लोग आगे फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हो इंटीरियर बड़ा ही अट्रैक्टिव है इसका, जो बीच का पूरा ब्लैक पैनल है। ये हमारा गियर नॉब तो जैसे कि हमेशा से आता है लैंड रोवर, हमारा रेंज रोवर में, जैगुआर में, सब में ऐसे ही आता है। अब हम आ जाते हैं इसकी मेन स्क्रीन पे। ओके, ये सारी स्क्रीन जो है टच स्क्रीन है। यहाँ पे हमें मिल जाता है नेविगेशन। ये नेविगेशन पार्ट हो गया इसका। ओके, अब अगर हम कैमरास की बात करें, वो हम रिवर्स डालेंगे तब भी आ जाएगा, हमें यहाँ से भी शो हो जाएगा कैमरा। एक बार आप रिवर्स डाल के दिखाएं। हमने इसको अप कर दिया पी पे। अगर हम यहाँ पे बीच में आते हैं, यहाँ पे ये यही चीज है जो इस गाड़ी को खास बनाएगी। यस, बिल्कुल यही चीज है। मतलब अभी जैसे हम यहाँ पे इसके जो ऑफ रोड्स के साइन है, इसके हाइट कंट्रोल के साइन है, मतलब ये सब शो करते हैं कि ये गाड़ी जो है सब कर सकती है चीजें। तो जैसे कि अभी हमारा नॉर्मल मोड है, ये हमारा स्लिपरी मोड हो गया, ये हमारा हिल असिस्ट हो गया, okay। ये हमारा डेजर्ट एरिया हो गया, ये हमारा रॉक क्रॉल हो गया। अब हम इसको कंफर्ट पे कर देते हैं। हाइट कंट्रोल हमने पीछे से ऑप्शन दिखाया, जैसे कि वो यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, हम यहाँ से प्रेस करेंगे तब भी हाइट कंट्रोल अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, आपकी साइड का भी अलग है, मेरी साइड का भी अलग है, पीछे भी दो अलग अलग है। ठीक है, पीछे भी आपका दे रखा है, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है जी, यहाँ पे हमें थोड़ी वुडन फिनिश मिल जाती है यहाँ पे भी और डोर पे भी, मतलब ये एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है इस गाड़ी की। बिल्कुल। सेकेंडली अब हम आ जाते हैं इसके ऑडियो पे। ऑडियो में मिलता है मेरिडियन ऑडियो, जो कि पर्टिकुलरली हमको जैगुआर रेंज रोवर में मिलता है। तो ये सिग्नेचर ऑडियो है रेंज रोवर जैगुआर का। बिल्कुल। आर्मरेस्ट तो यहाँ पे है ही हमारे पास, एक ह्यूज आर्मरेस्ट, उसके साथ साथ एक हमें पर्सनल आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। हाँ, ये चीज आप देखें दोस्तों कि इसके अंदर आप ये चीज़ जो मैं सॉलिड की बात कर रहा था ना, इस गाड़ी की सॉलिडनेस की, तो जब आप इस गाड़ी की सीट पे अगर आप बैठेंगे ना, तो जैसे अभी मैं इस टाइम बैठा हूँ, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, मतलब आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, और आपकी जो पोजीशन है, जो हैंड्स की पोजीशन है, वो बहुत बहुत परफेक्ट आती है किसी भी और गाड़ी से अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा। तो ये जो चीज़ है, जो सपोर्ट है, पीछे भी हो जाता है वैसे, बट इससे नमन वाकई जो आपकी जो पोजीशन है बैठने की, और ये जो हमारा डोर की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब हमें जो कंट्रोल्स भी दिए ना, हमें नॉर्मल गाड़ियों में नीचे जाके कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर से ही हैं सारे कंट्रोल्स। बिल्कुल। ये हमारा एक जो मेन आर्मरेस्ट है ह्यूज वाला, ये यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं। हाँ जी, ये 12 वोल्ट का चार्जर है। यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे हमें डिस्कवरी की सबसे पहले एक छोटे से मैट की ब्रांडिंग है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ह्यूज उसका स्टोरेज है आर्मरेस्ट का, काफ़ी डीप है, मतलब इजीली कुछ भी सामान रखना हो तो इजीली, मतलब ये वो तो नहीं है ना चिलर? नहीं, ये चिलर नहीं है, ये नॉर्मल आर्मरेस्ट है। ओके, अगर हम अपने उस पर आ ही जाते हैं हमारे जो गोल्स हैं, तो हम सबसे पहले आता हमारा लेस ड्रिवन। ओके, हम लेस ड्रिवन की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं ये कितनी चली हुई है। ये चली है खाली 17,322 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी लेस ड्रिवन कार है, मतलब न्यू वाला फील है गाड़ी में पूरा। ठीक है, बाकी इसकी ड्राइव अभी थोड़ी सी आपने भी चलाई थी, मैंने भी चलाई, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल फील है गाड़ी का। ट्रू है, बातें बहुत होगी, फीचर भी काफ़ी ज़्यादा समझा दिए। अब चलते हैं इसकी छोटी सी ड्राइव पे, स्पिन पे, और देखते हैं कि चलने में जो इसका जो फील है वो कैसा है, और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। तो चलें ड्राइव पे, चलें। तो आइए चलते हैं।
वाकई में बहुत ही उम्दा है और बहुत ही बढ़िया है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने के बाद दोस्तों, वो ये है कि ये गाड़ी सॉलिड है। मैं बार बार इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इवॉक भी चलाई है, स्पोर्ट भी चलाई है और वेलार भी चलाई है, ऑटोबायोग्राफी भी चलाई है, बट ये जो चीज़ है ये कुछ अलग है, ये कुछ हटके है जी, ये वाकई बहुत हटके है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ड्राइविंग के बारे में? मेरे को तो वाकई काफ़ी अच्छी ड्राइव लग रही है और बहुत लेस माइलेज पे है गाड़ी। मैं तो अभी ड्राइव करी, मतलब लग नहीं रहा इतनी बड़ी एसयूवी मैं चला रहा हूँ, मतलब काफी लाइट वेट है, इतना स्टेयरिंग भी मूव कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि इसे कि इतनी ज्यादा भारी एसयूवी चला रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे मोड आते हैं, अभी तो जैसे हम सिटी में ही ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम बात करें जैसे अगर कोई खराब रोड आती है या फिर कुछ भी आता है फॉर एग्जाम्पल, तो इस गाड़ी में वो कैपेबिलिटी है कि ये गाड़ी आराम से कर सकती है, रोडों को क्रॉस कर सकती है, खराब रोड पे जा सकती है, चल सकती है। अब जैसे सामने अगर आप देखेंगे तो सामने थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि रोड थोड़ी सी खराब है, जैसे ये वाली रोड है। अब इसकी वैसे ये सेकेंड हैंड है, बिकने के लिए आई हुई है, लेकिन मैं आपको इसकी कैपेबिलिटी नमन से पूछ के बताता हूं। नमन है कैपेबिलिटी, बहुत आराम से घूम जाएगी ये, तो आप समझ लो इसके लिए कुछ भी नहीं है, है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल हम सड़क काउंट करेंगे इस गाड़ी के लिए। इसके अंदर ये जो मोड आप देख पा रहे हैं ना, ये इधर जो मोड आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर ये जैसे अभी हम मोड़ते हैं तो इसके अंदर काफी सारे मोड हैं जो आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सैंड के लिए है, रॉक क्रॉल, मतलब इसका ये है कि जो भी पत्थर वगैरह आए कुछ आएगा उनके ऊपर से इजीली क्रॉस कर जाएगी गाड़ी बहुत ही। तो अभी देखो हमें नॉर्मल सड़क पे चाहिए, तो अभी नॉर्मल सड़क पे ही हम इसे चला रहे हैं। इस गाड़ी को ये तो लग्जरी के साथ साथ ऑफ रोडर तो है ही, लेकिन मेरा कभी कभी ऐसा लगता है, मेरा मन नहीं करता कि इसको किस पे कीचड़ लगे गाड़ी पे या फिर ये पहाड़ों पे चले, लेकिन कंपनी ने इसे बनाया उस लेवल उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ, मतलब आप चलाओ जो मर्जी करो गाड़ी एक बार धुल के वापस नहीं हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर आप में से किस किस ने इस गाड़ी को, वीडियो जरूर आपने देखी होंगी जहाँ पे इस गाड़ी को टेस्ट किया गया कि मतलब इसके बोनट तक पानी आ चुका है और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ गाड़ी को, गाड़ी चल रही है। तो ये है इसकी कुछ स्नीक पिक छोटी सी जो आज हम आपको बता पाए, और अगर किसी को ये गाड़ी बाय करनी है तो आना पड़ेगा आपको ऑटोबेस्ट इम्पीरियो पे, और अगर आपको इस गाड़ी की कीमत पता करनी है तो उतरना पड़ेगा इस गाड़ी से। तो आइए अब उतरते हैं इस गाड़ी से। तो दोस्तों अब शुरुआत करने लगे हम इस गाड़ी की डिटेल के साथ, जो कि है लेजेंडरी ऑफ रोड व्हीकल जो अवेलेबल है ऑटोबेस्ट इम्पीरियो के स्टॉक में। नमन से डिटेल लेते हैं, नमन कौन से साल की है और पूरी डिटेल दे दें। ये जो हमारी लेजेंडरी गाड़ी है लैंड रोवर डिस्कवरी 5, ये मतलब लेजेंडरी और आपका रफ एंड टफ गाड़ी होने के साथ साथ पूरी लग्जरी गाड़ी भी है, ठीक है, जो कि हमने अभी अपने व्यूअर्स को भी दिखाया है जरा सारे फीचर्स एक्सप्लेन करके। ओके, ये है डिस्कवरी 5, 3 लीटर इंजन में आती है, V6 इंजन है, ओके, एंड पेट्रोल वर्जन है ये, ओके, और ये है 2017 मैनुफैक्चरिंग, 18 रजिस्टर्ड, ओके, एंड चलिए ओनली जैसे कि हमने अभी दिखाया 17,322 किलोमीटर परफेक्ट। इसकी हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 64,75,000 ओनली, 64,75,000। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इस गाड़ी को 1 करोड़ रुपए से तो सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, गाड़ी की माइलेज बहुत कम है और गाड़ी के ईयर जो हैं वो भी बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें, और गाड़ी की कंडीशन ही होती है जो गाड़ी को ख़ास बनाती है। और ऑटोबेस्ट इम्पीरियो जाना जाता है अपनी गाड़ियों की कंडीशंस के लिए, क्वालिटीज़ के लिए और लेस माइलेज के लिए। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये नमन भाई का नया नंबर है जहाँ पे आप नमन भाई से बात कर सकते हैं, और लोन के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप कोई लोन करवाना चाहते हैं गाड़ी पे, अगर आप NOC के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नमन भाई आपको असिस्ट कर देंगे। बट एक बात का आप ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि ऑटोबेस्ट इम्पीरियो पे आपको सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की ही गाड़ियाँ मिलती हैं, स्विफ्ट या फिर छोटे सेगमेंट की गाड़ियों में ये लोग डील बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जो छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं वो नमन को कॉल करके अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और नमन का टाइम भी वेस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट अगर आपको डील चाहिए, जेन्युइनली चाहिए और प्रीमियम गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप नमन को कॉल कर सकते हैं और डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नंबर बता भी दो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि अब चेंज हो चुका है वो है 8800-647-647। तो आपने नंबर सुना, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना क्योंकि पहली बार माई कंट्री मैरिट पे फीचर हुई है डिस्कवरी 5, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑटोबेस्ट इम्पीरियो एंड नमन फॉर गिविंग मी सच अ गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू टू आर व्यूअर्स। तो इसी नोट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।